कोरोना के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। सभी तरफ सावधानी बरती जा रही है, लेकिन जिन पर पूरी जिम्मेदारी है वही स्वास्थ्य महकमा लापरवाह नजर आ रहा है। दरअसल जामताड़ा सदर अस्पताल में एक कोरोना का संदिग्ध मरीज पहुंचा, उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती के लिए लगभग 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। कई घंटों के इंतजार के बाद जब आखिरकार उसे वार्ड में भर्ती कराया गया तो वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौच के लिए उसे कॉमन बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब उसे वार्ड में स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा था तब वार्ड बॉय ने सिर्फ ग्लव्स के अलावा और कुछ नहीं पहन रखा था। भी काम करना पड़ता है सारा, तो मैं आया हूं करीब 12:30 बजे। उसके बाद ऑफिस में जाने के बाद मैं सोचा एक बार आके पेशेंट की स्थिति देखता हूं, तो मैंने देखा कि पेशेंट बाहर में बैठा हुआ है, जबकि एलटी को जो हमारे साथ लैब टेक्नीशियन मिस्टर विजय कुमार गए थे ऑलरेडी, वो 9 बजे से ड्यूटी पे थे। एम्बुलेंस ड्राइवर का ये कहना है कि कोई आदमी इसको देखने वाला यहां सदर अस्पताल में नहीं है। मैंने अभी उसको डीएस को भी इन्फॉर्म किया और अपने सामने में जो है क्या कहते हैं उसको स्ट्रेचर पे लोड करके अभी मैं खुद उसको एडमिट किया हूँ।